सुबह में चल जाते थे 7:30 बजे रांची रेस का चलन है। अच्छा। उसके बाद हम 4 बजे जो कमाई हुआ आते थे यार, उसके बाद जो भी हम गरीबों का दुआ दुआ दुख पूरा करेंगे कि जो हमको पैसा नहीं चाहिए, हम गरीब हैं, गरीब कितना मेहनत में कमाते हैं वो हम जानते हैं, इसलिए गरीब का भी हम सेवा करेंगे। गरीब है इसलिए गरीब का दुख समझते हैं गरीब कितना मेहनत में कमाता है, तो हम भी देखते हैं कि उस उन लोग से अच्छा काम करें जहाँ रास्ता खराब है, जहाँ दाढ़ी पानी का दिक्कत है, नहान धोने का हमारा कहीं पर रिकॉर्ड खराब नहीं है, इसलिए हमको ग्रामीण चुना जैसे राय पंचायत हुआ, बड़ा बड़ा भी जो बड़ा बन रहा है बड़ा ही बन रहा है। फिर एक बार सोचा कि विश्वास आदमी है, रिक्शा चालक है, बहुत मेहनत करता है, देखता है इसको एक बार मौका दिया जाए। ये रिक्शा चालक है, वो ट्रैक्टर चालक है, तो जैसे वहाँ कुछ मास्टर जाता है खाली बैठ रहता है, बच्चा लोग खिचड़ी खाया चल घर जाता है, वो सबको हम नज़र में देखते हैं, उसको भी सुधार करेंगे। नमस्कार, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका भोकाल टीवी में, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ रांची से काफ़ी दूर बुंडू टमाड़ के समक्ष, जहाँ पे एक बस्ती आता है राहे, वहीं पे आज हम लोग आ पहुँचे हैं, और यहाँ पे हम दिखाने जा रहे हैं आपको कुछ अलग सी चीज़ें जिनको देखकर आप कहिएगा वाह क्या बात। मुखिया तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन लगभग पैसे वाले ही देखे होंगे जो अपने पैसे के बलबूते से वो लोग जो है उठते हैं और कहीं ना कहीं हर वादों से मुकरते नज़र आते हैं, हर जगह पे विकास जो है रुकी रह जाती है, और कहीं ना कहीं फंड जो होता है वो किधर जाता है नज़र नहीं आता। तो आज हम लोग आ पहुँचे एक ऐसे मुखिया के घर जो कि वो एक रिक्शा चालक थे, और लोगों का सपोर्ट प्यार इतना ज़्यादा मिला उनको कि आज जो है वो इस मुकाम पे है कि वो आज एक मुखिया के पद पे खड़े हो चुके हैं। आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आप मुखिया पद पे खड़े हो चुके हैं। आपका नाम? कृष्ण पात्र। अच्छा, कौन से पंचायत से जीते हैं आप? राहे पंचायत। राहे पंचायत से। इससे पहले एक बार भी कोशिश किए थे कि हम मुखिया में खड़े हो? कोशिश तो पूरा ही किए थे। पूरा किए थे, कितना? हाँ। बार? दो बार पहले। दो बार, लेकिन असफल रहे थे? असफल रहे थे। अच्छा। गरीब आदमी कुछ पैसा कौड़ी के चलते कमाएंगे तो खाएंगे, उसी में चल जाता है सब। अच्छा, कमाने खाने में सब पैसा चला जाता। हाँ। था, इसलिए नहीं जीत पाते, जनता में पैसा नहीं लगा पाते, नहीं लगाते थे। अच्छा, तो इस बार जीत गए, कैसा लग रहा है? हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा पंचायत का आदमी की भी अच्छा लग रहा है, यार जो मैं दिया सब आ रहा है उन लोग को भी अच्छा लग रहा है, इसलिए हम बहुत खुश हैं। बहुत खुश है। जनता यहाँ की खुश है कि नहीं? बहुत खुश है जनता लोग। जनता लोग खुश, आपको चुना है तो खुश कैसे नहीं रहेगा? जरूर खुश रहेगा जब इतना मेहनत किया है, बहुत मामूली जिनिस नहीं है। कितना परिवार है आपका टोटल? लड़की 4 गो है यार, हम लोग दोनों 6 गो। सिर्फ 6 गो लड़की है? 4 गो लड़की है। अच्छा। और अब दोनों बूढ़ा बूढ़ी? आप लोग दोनों बड़े, 6 परिवार है आप लोग? 6 परिवार। पालन पोषण किस तरह से चलता था आप लोग का? पालन पोषण सुबह में चल जाते थे 7:30 बजे रांची रेस का चलन है। अच्छा। उसके बाद हम 4 बजे जो कमाई हुआ आते थे यार, उसके बाद जो भी चावल नहीं दाल नहीं, यानी कि आज कमाना तो आज खाना। हाँ, वही बात है, यही बात रहता है। हाँ। किस तरह से पढ़ाई करते हैं आपके बाल बच्चे, कहाँ पढ़ाई करते हैं? स्कूल में पढ़ते हैं, गाँव का सरकारी स्कूल में। गांव का सरकारी स्कूल से बताइए, कैसा वहां का पढ़ाई है, टीचर्स कैसे हैं, शिक्षक कैसे हैं वहां के, पढ़ाई सही होता है वहां पे? देखिए, पढ़ाई तो हम स्कूल तो छोड़ दिया है, मिडिल तक करके बच्चा सब ना जाने कैसे पढ़ाई होता है, हम तो नहीं ना गए हैं। आप पेरेंट्स मीटिंग तो कहीं हो गए होंगे ना? पेरेंट्स मीटिंग, गार्जियन मीटिंग नहीं गए हम, नहीं गए थे। अच्छा, ये बताइए आप मुखिया में खड़ा हुए हैं, कौन कौन सा काम बचा रह गया था जो आपका नज़र में था? नज़र में तो बहुत काम है, जैसे हुआ कुआं सब मरामती नहीं हुआ है, सब ढंस रहा है। अच्छा। कहीं पर पानी का साधन नहीं है, कहीं नली भी पड़ा हुआ है। नली कहीं कहीं यहाँ की बहुत जगह है, लेकिन उसका नाम तो अभी नहीं बताते हैं। अच्छा, नली तो नली का पानी किधर जा रहा था? पानी का गांव का बस्ती घुस रहा है, किसी का दरवाजा घुस रहा है।
ऐसे घुसता था ना। हाँ। और पानी, पीने का पानी कहाँ से लाते थे सब? पीने का पानी कुआं से, कुआं सबसे पीने का पानी लाते थे। हाँ। अच्छा, बिजली का क्या व्यवस्था था? बिजली का व्यवस्था है कि जो काम समय कट जाता है, कामे का समय कट जाता है। जैसे अभी हमको खाना बनाना है तो मिट्टी तेल 90 रुपया है, तो 90 रुपया में खरीदेगा कौन? अच्छा, तो इसलिए हम लोग बिजली का भरोसा में रहते हैं, तो वो भी समय पर नहीं मिलता है, खाली पेट रहना पड़ता था उसके लिए। हाँ। चलिए, लोग आपको मुखिया चुना है, का का सुविधा दीजिएगा? आप मुखिया बन गए हैं तो का का चीज का सुविधा दीजिएगा आप लोगों को? अब वो तो हम जनता के पास मीटिंग रखेंगे, पूछेंगे। नहीं नहीं, का का सोचे हैं सुविधा देने के बारे? सुविधा देने का सोचा है कि जहाँ पर पानी का दिक्कत है पानी दीजिएगा। हाँ, पानी का जरूरत होगा, पानी का व्यवस्था करेंगे। कहीं पर नहाने का दिक्कत है तो वहाँ पर हम घाट बनाएंगे नहाने का। कहीं पर ऐसा तालाब है, अगर पानी का हम लोग का सूख जा रहा है तो वहाँ पर मरामती जैसे खुदाई का। अच्छा, और जैसे हुआ सड़क देखे थे हम, बहुत जर्जर सड़क है, आते समय इतना ज्यादा उबड़ खाबड़ है, निकला हुआ है गिट्टी उट्टी की, और गड्ढा है, समझ नहीं आ रहा, गड्ढा में रोड है, रोड में गड्ढा है, पेट में दर्द हो जाएगा आदमी का। वो तो बात सही है, लेकिन जो छोटा छोटा रोड है उसका हम नजर रखते हुए मरम्मत कराने का काम करेंगे, मत कराने का प्रयास करेंगे। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कहना है कि पूर्व मुखिया जो था आवास नहीं दिया था, विधवा पेंशन नहीं देता था, वृद्धा पेंशन नहीं देता था, राशन कार्ड बनाने का काम नहीं करता था, आपका क्या कीजिएगा? जो जो तकलीफ है जनता के बीच में हम मीटिंग रखेंगे, उन लोग बोलेगा ईसा का जरूरत है, तो हम उस समाधान को पूरा करने का प्रयास करेंगे। एक आखिरी सवाल करेंगे आपसे हम, चुनाव में जितना भी लोग आते हैं, मंत्री हो, नेता हो, मुखिया हो, सरपंच हो, कोई भी हो, तरह तरह का वादा करता है, हम ये देंगे, वो देंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, सब मुकर जाता है पैसा देख के, तो हम वैसा वादा नहीं करेंगे, हम काम करके दिखाएंगे, वादा नहीं करेंगे। अच्छा, वादा नहीं कीजिएगा, डायरेक्ट काम कीजिएगा। काम करेंगे हम, गरीबों का दुआ दुख पूरा करेंगे, कि जो हमको पैसा नहीं चाहिए, हम गरीब हैं, गरीब कितना मेहनत में कमाते हैं वो हम जानते हैं, इसलिए गरीब का भी हम सेवा करेंगे, प्रयास करेंगे सेवा करने का। अच्छा, गरीब है इसलिए गरीब का दुख समझते हैं आप? समझते हैं, गरीब कितना मेहनत में कमाता है, तो उनको आप लाभ दीजिएगा, हर तरह से लाभ देंगे। अच्छा, चलिए, तो जैसा कि आपने सुना कि मुखिया जी जो है, का नाम बताए थे मुखिया जी? कृष्णा पात्र। कृष्णा पात्र जी, कृष्णा पात्र जी जो है अब गरीबों की मदद करने के लिए सामने आ खड़े हुए हैं। लोग जो होते तरह तरह के वादे करते हैं, पर इनका कहना है कि ये वादे नहीं करेंगे, डायरेक्ट जो है ये काम करके दिखाएं। तो हम भी देखते हैं कि उन लोग से अच्छा काम करें, जहाँ रास्ता खराब है, जहाँ दाढ़ी पानी का दिक्कत है नहान धोने का, इसलिए हम भी सोचे और गाँव का आदमी भी सोचे, इसको एक बार मौका दिया जाए, दो दो बार फेल किया तो एक बार पास करेगा। अच्छा, आप दो बार इससे पहले लड़ चुके थे? फर्स्ट में हम लड़े थे, उसके बाद मेरा वाइफ लड़े थे। अच्छा, आप भी लड़े थे और आपकी पत्नी भी लड़ी थी? हाँ, उसमें भी आप लोग नहीं जीते थे, तो इस बार जो है जीत गए? जीत गए, दो दो बार सेकंड लाए थे। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप कि क्या कुछ सोचे इस गांव के विकास के लिए? हम सोचे हैं कि जो हम जीत जाएंगे तो जहां आप जीत चुके हैं। हाँ, जीत चुके हैं, तो हम सोच रहे हैं कि हमको मुखिया बनाए हैं पंचायत का, गाँव का, पूरा ग्रामीण, तो हम सोचे हैं कि जहाँ जहाँ जो भी काम बाकी है, कष्ट है, उसको दूर करेंगे। कष्ट क्या, कौन कौन से कष्ट से गुजरना पड़ता है आपके गांव वालों को, क्या क्या कष्ट होती है? जैसे हुआ वृद्धा पेंशन हुआ, नहीं मिलती थी, और जैसे रोड है, रोड भी जैसे दर्रा रोड, मतलब बरसात का दिन में पानी में आदमी पैर डूब के चलना पड़ता है, वो सब काम अच्छा करेंगे। अच्छा, और किसी भी कहीं पर गलत है उसको सुधारेंगे, जैसे बच्चों सब स्कूल में पढ़ते ही है तो जैसे वहाँ कुछ मास्टर जाता है खाली बैठ रहता है, बच्चा लोग खिचड़ी खाया चल घर जाता है, उस सबको हम नज़र में देखते हैं, उसको भी सुधार करेंगे।
उस सब भी सुधारने का काम करेंगे। हाँ। और क्या कुछ कहना चाहिएगा जो मुखिया यहाँ का काम नहीं किए और लोगों को इतना ज़्यादा कष्ट में गुजारना पड़ रहा था ज़िंदगी। मुखिया जो 5 साल रहे थे, अभी हम आ रहे थे एक रोड से, आपको हम बताते चले कि हम रोड से आ रहे थे, रोड की हालत इतनी जर्जर थी कि इंसान का पेट में दर्द हो जाए, इतना ज़्यादा हालत ख़राब था उस रोड का। क्या कुछ सोचिए और जैसे आखिरी नाली भी देखे तो नाली बहुत गंदा, नाली वाली का सुविधा नहीं था। वो तो नाली वाला का भी देखते हैं कि जो आधा काम हुआ है आधा नहीं हुआ, उसको भी हम सोचते हैं कि किसी का दरवाजा पानी घुस रहा है, उसको भी हम सुधार करेंगे और वो सब काम आगे बढ़ाएंगे। इनसे तो बातें हो गई हमारी, अब हम बात करेंगे यहाँ के लोगों से। क्या नाम हुआ भाई आपका? तारकेश्वर महतो। अच्छा, आपका, आप देखिए गांव कितना आगे बढ़ चुका है कि एक जो रिक्शा चालक थे अब वो आप लोग का सारा प्रॉब्लम्स देख रहे हैं। हाँ। और कहीं ना कहीं जो है अब उनको पूरी तरह बनाने का, सुधारने का कार्य करने के बारे में सोच रहे। क्या कुछ कहना चाहेंगे इनके बारे में आप? कहना तो बस यही चाहेंगे कि इनका जो विचारधारा है औरों से हट के है, तब जाके पब्लिक इनको चाहिए और मुखिया का पद दिलाई तो अब काम होगा। यहाँ शिक्षा में भी ध्यान दिया जाएगा और बहुत सारी बुनियादी समस्या है गांव में, उन सब के में सुधार लाने की। आप एक गांववासी है तो आप हमें ये बताइए कि किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता था आपके गांव में, क्या क्या चीज़ों की सुविधाएं नहीं थी? ढेर सारी, शिक्षा का भी नहीं है, बिजली का सही व्यवस्था नहीं है, रोड नहीं है तो थोड़ा जर्जर है और बहुत थोड़ा जर्जर है या फिर हम तो भैया देख कर आ रहे हैं। नहीं, तो ढेर जर्जर है, चलने लायक भी नहीं है जी। अब उस सब में थोड़ा बदलाव हो जाएगा, सुधारने की प्रयास किया जाएगा जी। यही सब है। शिक्षा व्यवस्था किस तरह की है? पढ़ाई लिखाई में थोड़ा यही है, स्कूल में टाइम से वैसे वैसे क्षेत्र पंचायत ही मतलब जगह है, गांव है कि सही टाइम से वहां पे मास्टर भी नहीं आ पाते हैं, बच्चा भी सही ढंग से नहीं जा पाता है। थोड़ा अभिभावक से भी रिक्वेस्ट किया जाएगा मुखिया के तरफ से कि आप अपने बच्चों को स्कूल टाइम से भेजें जी। आइए बाहर बात करते हैं, कुछ व्यक्ति सब जो है खड़े हैं, उनसे जानेंगे कि क्या लगता है भैया, 5 साल जो होते हैं मुखिया जी राज किए, 2 साल एक्स्ट्रा मिला कोरोना काल में उनको, फिर भी जो है नाले की सुविधा, ना तो रोड की सुविधा, और जैसे कि वृद्धा पेंशन दिलाने का काम नहीं करते थे बोल रहे थे, अभी जो आपके मुखिया जी बने हैं जो पूर्व मुखिया जी थे किन्हीं चीज़ की सुविधा नहीं दी, क्या लगता है सारा पैसा तिजोरी में डाल लिए का? देखिए अब वो क्या किए हैं नहीं किए हैं वो तो हम लोग बता नहीं सकते हैं, लेकिन आगे जो भी होगा उसके पीछे ही लगे रहेंगे। जिनका नहीं हुआ है, जिनका हुआ है उनका तो डिटेल इनका निकलना होगा, जिनका भी नहीं हुआ है, मान लीजिए कोई ऐसा वृद्ध व्यक्ति है जो घर से निकल नहीं सकता है उसका भी नहीं हुआ होगा, तो हम यही कहना चाहेंगे कि अभी जो मुखिया जिस सोच के राय पंचायत से इनको मुखिया चुने हैं तो उस काम को ये घर घर जा के कम से कम निकाल के अपने ये से वो लोग वृद्धा पेंशन लागू कर दें। अच्छा, पूर्व मुखिया जी जो थे क्या उन्होंने विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन होता है, राशन कार्ड होता है, जगह जगह दिलाने का काम किया था उन्होंने? ये किया होगा लेकिन पता नहीं है किनको किनको कहाँ कहाँ किनको 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 कर दिया है वो पता नहीं है, लेकिन कभी कोई व्यक्ति बोलता है कि ये मेरा नहीं बना है, कोई बोलता है कि मेरा नहीं बना है, लेकिन जब मुखिया रहे हैं तब तो वो चीज़ खुद कर देना चाहिए उन लोग को, लेकिन अभी तक नहीं पूरा नहीं हुआ तो दुख की बात है, अगर नहीं हुआ तो हम तो सोचते हैं कि नहीं भी हुआ है तो हमको लगता है कि जिस हिसाब से इनको हम लोग चुने हैं उस हिसाब से हमको लगता है ये पूरा कर देंगे। पूरा संतुष्ट आप इनसे? जी संतुष्ट, पहले भी तो चुने थे तो उनसे संतुष्ट थे आप? चुने का नहीं, संतुष्ट नहीं थे लेकिन चुने थे, फिर भी जो अब पहले अभी चुने हैं अब क्या करेगा नहीं करेगा वो तो नहीं जानते हैं, अब हम लोग इनको भी चुने हैं करने के लिए चुने हैं, अगर नहीं करते हैं फिर हम लोग दूसरा चुनेंगे क्या कीजिएगा जी। यहाँ पे और लोग भी मौजूद हैं उनसे जानेंगे, मुखिया जी बन गए हैं जी, क्या कहेंगे? मामू बोलता है हम। अच्छा, आप उनका मामू बोलते हैं, मामू हूँ। हाँ, हम मामू। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, विकास होगा गांव में अब? हाँ अभी तो हो गया है, लेकिन बात है कि माने चाहते हैं, हमारा राशन कार्ड नहीं है जी, हम लोग 5 परिवार है, 5 परिवार का रेकॉर्ड राशन कार्ड नहीं है।
किसी का राशन कार्ड नहीं, राशन कार्ड एक ही बनता है लेकिन किसी का नाम नहीं, राशन नहीं मिलता, कैसे खाना पीना चलता है? काम खोल के खाते हैं। क्या काम करते हैं? बेटा माने मिस्त्री काम करता है। और आप? हम वो नहीं करते, हम करने नहीं सकते हैं। वृद्धा पेंशन मिलता है? नहीं मिलता है। नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। हम रहा है उतना, माने आधार कार्ड भी आए दिखा देंगे तो अब विश्वास हो जाएगा सब चीज़ें, लेकिन नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। राशन कार्ड वो मुखिया पास गए थे, मिलेगा कोई क्या, लेकिन नहीं मिला। अच्छा, वो मुखिया जी नहीं दिया? नहीं दिए। ये मुखिया जी देंगे लगता है? लगता है तो देगा, मामू है हमारा। अच्छा, ये मुखिया जी देंगे, भरोसा है? भरोसा है। आइए फिर से एक बार मुखिया जी से बात करते हैं हम लोग। लोग इतना भरोसा कर रहे हैं आप में कि सारा चीज़ दीजिएगा? जो भरोसा करते हैं उसका काम हम पूरा करेंगे, पूरा पंचायत का जैसे गांव का जो भी हालत ख़राब है उसको हम पूरा सुधारेंगे। पूरा सुधारेंगे आप? हाँ। अचानक आपके दिमाग में ख्याल कैसे आया कि मुखिया का चुनाव आपको लड़ना है? अचानक कैसे ख्याल आया इस चीज़ का? अचानक कैसे बात नहीं, हम पहले ग्राम प्रधान थे गाँव का। अच्छा, जो भी काम हुआ है हम लोग ग्राम सभा किए हैं, तब जैसे मोदीवास हुआ हुआ ये सब काम किए हैं, हमारा कहीं पर रिकॉर्ड ख़राब नहीं है, इसलिए हमको ग्रामीण चुना, जैसा राय पंचायत हुआ गांव का ये सब हमको चुना कीजिए। बहुत मुखिया को देखे, बड़ा बड़ा आदमी जो बड़ा बन रहा है, बड़ा ही बन रहा है, तो एक बार सोचा कीजिए, विश्वास आदमी है, रिक्शा चालक है, बहुत मेहनत करता है, देखता है इसको एक बार मौका दिया जाए। अच्छा, काफ़ी मेहनत करते थे आप रिक्शा में भी? काफ़ी मेहनत करते थे जी। भैया हम जब आ रहे थे तो देखे रोड का हालत बहुत खराब था। हाँ वो तो खराब है ही है। हाँ, आप लोग देखिए, देखिए लिए तो और खराब का सवाल ही नहीं उठता है। पानी का क्या कुछ सुविधा है? पानी तो अभी अगले साल से टंकी का काम चल रहा है, वो फिलहाल मोदी का दिया हुआ है कि किसका दिया हुआ है मालूम नहीं, लेकिन पानी तो पहुँचता नहीं है, बस टंकी बना हुआ है। बस टंकी बना, पानी अभी भी नहीं आता? अभी भी नहीं। तो क्या लगता है मुखिया जी पानी उन्हीं देंगे? सब पानी उन्हीं देंगे, वो तो भरोसा लग रहा है पानी देंगे। जैसा हम लोग तो जैसे भी अभी नहीं मुखिया जी बोले कि जिसको मुखिया बनाते हैं वो अमीर बनते जाता है, इसलिए अमीर को छोड़ के हम लोग गरीबी से शुरू किया है, मुखिया भी बनाए और गरीबे को बनाए, और जो हम लोग का समिति बना है इससे भी गरीब है। ये तो रिक्शा चालक है, वो भी ट्रैक्टर चालक है, ऐसे ही हम लोग बनाते हैं कि हम लोग सोचे हैं कि गरीबी है, गरीब का दर्द समझ सकता है। इसीलिए हम लोग सोचे कि गरीबे को पहले बनाएंगे, गरीब का करेगा अगर। अच्छा। इसका कम से कम तो अमीर बनिया जाता है और बनने वाला को कितना बनाए, इसलिए हम सोचे कि जीरो से ही लोग गरीब है, तो गरीबे को जीरो से हीरो बनाए। हाँ, जीरो से हीरो बनाए। अच्छा। हम लोग का जो अगला समिति बना है वो तो ट्रैक्टर चालक है, ये रिक्शा चालक है, वो ट्रैक्टर चालक है जी। तो जैसा कि आप यहाँ के लोगों की सोच को देख रहे हैं कि किस प्रकार यहाँ की सोच है, जो कि जो लोग एकदम गरीब है उनको ही ये लोग अपना मुखिया प्रधान चुन रहे हैं, ताकि वो लोग जो है गरीब हो करके ही एक गरीब की समस्याओं को समझे। कहाँ सोच के चुने एक रिक्शा चालक को मुखिया? तो गरीब है के गरीब कर मरण गरीब पे जानी कोई के चुन ली। अच्छा, गरीब का मरम गरीबे जाने। हाँ, है ना। अमीर लोग खाली लूटे जाने। हाँ, लूटे और खाए के जाने लन, अपन अपन बनाए के जाने लन गरीब पद में। और गरीब पद में तो जानी की जो चल मैं भलाई कर मोला और दिन मोर और रास्ता खास यह अच्छा ही कोई कोई ना सोची। अच्छा, बड़े मन जो होते खाली दूसर कर छीन के खाए जाने। खाए जा रहा जना गरीब आदमी तो कही कि मैं देमू तो अगला मैं फिर और मोर ठीक हो जाए कही के उसने ना सोच जाए। हम बताओ, इसलिए गरीब हो तो गरीब के मरम अच्छे से जाना। अच्छा जान, हाँ जो ना रही तो क्या करो, देखे तरह तरह जीत लें, मुखिया ने कुछ कोडो नहीं दिलाए। तो जैसा कि आपने सुना कि जो पूर्व मुखिया थे वो अपना भरोसा लोगों के प्रति खो चुके थे और लोग जो थे उन पर भरोसा करना छोड़ ही दिए थे। वैसे हम अब आपको दिखाते चले कि यहाँ पे रोड की स्थिति देख लीजिए, इतना दिन रह करके भी उन्होंने रोड की व्यवस्था के लिए कुछ भी नहीं किया। आए एक आंटी आ रही, उनसे बात करेंगे। कहाँ जा रहे चाची इतना उबड़ खाबड़ रोड में? यहाँ मुखिया घर जाते हैं। क्या बात है, नया मुखिया है, खुशी हो रहा है क्या? मुखिया है, खुशी हो रहा है, खुश हो रहा है। आपका मामा ससुर है? अच्छा, मामा ससुर आ गया। आपका मामा ससुर है? अच्छा। का पुराना मुखिया का काम किया था? पुराना मुखिया कुछ कुछ करा था, कुछ कुछ को करा था। हाँ, और कोनो नहीं किया? हाँ, कोनो नहीं किया। अच्छा, राशन कार्ड है घर? है, लाल कार्ड है। एक लोग का नाम है, एक ही का नाम है। हाँ, एक ही। कितना परिवार है? परिवार पांच लोग है। पांच लोग हैं? हाँ, और एक ही बेटा पुतोह जो है। अच्छा, और एक ही को का नाम है? हाँ, एक ही का नाम है। तो कितना राशन चावल? पाँच किलो, पाँच किलो।
बस पाँच किलो, पाँच किलो खाली मिलता है, पाँच किलो मिलता है। अच्छा वृद्धा पेंशन मिलता है? वृद्धा पेंशन तो मोर बूढ़ा आठ बूढ़ा वृद्धा पेंशन है कौन नहीं। अच्छा उधर खड़े हैं आपके बूढ़ा? अच्छा इनके बूढ़ा उधर खड़े हैं, हाथ देख लो मोर बूढ़ा हाथ पेछी बटे। अच्छा एक ही आदमी का नाम है तो बोले नहीं कि हमको सबका नाम डलवाना है राशन कार्ड में? आप ही जाइए, आप ही बनाइए, ऐसे बोलता हम नहीं सकेंगे, ऐसे बोलता था। मतलब थक चुके हैं? हाँ हाँ तो हम लोग पढ़ा नहीं लिखा नहीं कैसे बनाएंगे बताइए। हाँ आपका दुख दर्द को नहीं समझते? हाँ हाँ वही तो, हम तो पढ़ा नहीं को कहने के लिए ना हम का नहीं आता है। अरे ऐसा समस्या लोग से जूझना पड़ा आपको? अच्छा पानी सब कैसा आता है? पानी पीने का पानी नहीं आता है घर घर में? घर घर में तोनी तोनी तानी तानी थोड़ा थोड़ा नहीं पीने का बराबर, कभी 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 जाएंगे पानी खोलने आएंगे तो फिर बंद कर देंगे। अरे ऐसा हो जाता है? ऐसा होता है। ओ गैस सिलेंडर मिला? उज्ज्वला योजना वाला गैस सिलेंडर नहीं, कुछ नहीं मिला, वो भी नहीं मिला। मोदी सरकारी इसका मिला, हम लोग का मोदी सरकारी घर भी नहीं मिला, आवास नहीं मिला, कुछ नहीं आवास नहीं मिला। कहाँ जा रहे दादा? इधर जाते हैं काम आता है या नहीं? तो उधर जा रहे हैं। मुखिया जी दिए आपको वृद्धा पेंशन? दिए मुखिया जी, जो पूर्व मुखिया जी जो थे वो पुरना दिया था, पुरना दिया था। नया मुखिया जी चुने हैं, कैसा लग रहा है? सब देंगे? देगा हो। आवास दिया था पूर्ण मुखिया? हाँ। रहने के लिए घर दिया था? घर घर दिया है, घर दिया था रहने के लिए। उधर है, इनको मिली थी वो सुविधाएं। आइए इधर आपको हम दिखाते हैं नाली सबकी सुविधाएं। वैसे तो ये जो मिर्चू मुखिया है जो कि लोगों के द्वारा ये खड़े हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग इनसे खुश नज़र आ रहे हैं, उनका कहना है गरीब का दर्द सिर्फ एक गरीब ही समझेगा, अमीर तो सिर्फ लूटने के लिए होते हैं। यहाँ के लोगों का यह भी कहना है कि इनको अब जो जितना लूट लिए अमीर लोग अब उनको उतना लूटने नहीं देंगे और अब गरीबी स्तर से लोग जो है मुखिया चुनना शुरू कर दिए हैं या फिर प्रधान हो उन लोगों को चुन रहे हैं ताकि वो गरीबी का हाल देख करके गरीबों की मदद करे। ये थी आज की रिपोर्ट मारी। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, मैं रिपोर्टर नेहा।